एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ एंड आइडियल एंट एसिड गिव द मैथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय कार्बोनेट एंड पोटेशियम पर मैगनेट इसमें भी हमें दो पार्ट देखना है सबसे पहले एंट एसिड का आइडियल प्रॉपर्टीज हम लोग बताएंगे उसके बाद सोडियम बाय कार्बोनेट एंड पोटेशियम पर मैगनेट का मैथड ऑफ प्रिपरेशन बताएंगे एंट एसिड एंट एसिड एक मेडिसिन होता है जो कि स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है एंड इनडाइजेशन एंड हार्ट बर्न में रिलीफ करता है ये लिक्विड या चुएबल टेबलेट के फॉर्म में आती है जिसे हम फार्मेसी से बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी खरीद सकते आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंट एसिड यानी एंट एसिड का जो काम है उसे वही करना चाहिए उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए फर्स्ट है इट शुड नॉट बी एब्जॉर्ब इन सिस्टम यानी कि जब हम एंट एसिड लेंगे तो ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए अगर ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसकी वजह से पी एच इंक्रीज हो गई अगर पी एच इंक्रीज होगी तो हमें सिस्टमिक एल्कोलोसिस हो जाएगी सकेंड है इट शुड नॉट लिबरेट सी ओ टू सी ओ टू ये लिबरेट नहीं होना चाहिए अगर हम एंट एसिड लेंगे तो सी ओ टू लिबरेट होने की वजह से इसमें हाइपर एसिडिटी हो सकता है हमारी बॉडी में हाइपर एसिडिटी हो सकती है थर्ड आइडियल प्रॉपर्टीज़ है शुड नॉट बी लेगजटिव ये लेगजटिव नहीं होना चाहिए अगर ये लेगजटिव होगा तो उस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है इट शुड नॉट बी कॉस्टली ये कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए इट शुड नॉट इंटरफेयर विथ एब्जॉपन ऑफ फ़ूड जब हम लोग फूड खाएंगे और एंट एसिड भी लेंगे तो ये इनडाइजेशन नहीं होना चाहिए इसकी वजह से सिक्स है इट हैज़ क्विक एक्शन इसका एक्शन फास्ट होना चाहिए एंड लास्ट है इट शुड नॉट इंटरफेयर डाइजेशन डाइजेशन में इसका कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे पहला मेथड लेबोरेटरी मेथड है इसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट को वाटर एंड सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगी एंड सेकेंड मेथड है सोल्बे अमोनिया प्रोसेस इस प्रोसेस में हम लोग अमोनिया लेंगे उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलेगा उसके बाद इस अमोनियम बाइकार्बोनेट को फिर से सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे उसके बाद हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगी और यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट मिलेगी अमोनियम क्लोराइड नाउ लेट्स मूव ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट इसमें हम लोग तीन मेथड पढ़ेंगे सबसे पहले मेथड में पोटेशियम मैग्नेट को एच सी एल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे पोटेशियम पर मैगनेट मैंगनीज डाइऑक्साइड वाटर एंड पोटेशियम क्लोराइड मिलेगी सेकेंड मेथड में हम लोग फिर से पोटेशियम मैगनेट लेंगे लेकिन इसे इस बार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमें पोटेशियम पर मिलेगी पोटेशियम कार्बोनेट मिलेगी एंड मैगनीज डाइऑक्साइड भी मिलेगी पहले में हमने पोटेशियम मैंगनेट को एच के साथ करवाया था सेकेंड में हम लोग पोटेशियम मैंगनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाएंगे थर्ड मेथड में हम लोग फिर से पोटेशियम मैगनेट लेंगे और इसे इस बार क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें पोटेशियम पर मिलेगी एंड पोटेशियम क्लोराइड मिलेगी नाउ लेट्स मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन हेमाटेनिक्स राइट प्रिपरेशन एंड एसे ऑफ फेरस सल्फेट तो सबसे पहले देखते हैं हेमाटेनिक्स क्या होती है हेमाटेनिक्स एक सब्सटेंस होती है जो ब्लड के फॉर्मेशन ब्लड में स्पेशली हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए असेंशियल होती है इसका यूज़ हम लोग करते हैं बहुत सारे एनेमिया को ट्रीट करने के लिए ये क्या करता है हीमोग्लोबिन के कंटेंट को ब्लड में बढ़ाता है यानी कि उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है अब देखते हैं फेरस सल्फेट का मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन एंड एसे फेरस सल्फेट का मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है एफ़ ई एस ओ फोर डॉट सेवन एच टू ये भी हेप्टाहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है इसका मॉलिकुलर वेट होता है टू सेवेंटी एट मैथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे सबसे पहले मेथड में फेरस ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमें हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट मिलेगी यानी कि एफ ई एस ओ फोर और वाटर मिलेगी सेकेंड मेथड में हम लोग फ़ेरस कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हाइड्रेटेड फ़ेरस सल्फ़ेट मिलेगी और यहाँ से सी रिलीज होगी अब देखते हैं ऐसे ऑफ फ़ेरस सल्फ़ेट फेरस सल्फेट को हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन द्वारा टाइट्रेट करते हैं इसको सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोला जाता है इसका प्रिंसिपल है इस टाइटेशन में हम लोग फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट करते हैं अब इसके प्रोसीजर देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग सोडियम बायकार्बोनेट लेंगे 2.5 ग्राम उसमें 10 एम एल डालेंगे एंड 150 फिफ्टी वाटर देंगे अब उसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक उसमें बुलबुले आना बंद ना हो जाए फिर उसमें 0.5 ग्राम फेरस सल्फेट डालेंगे फिर सेक करेंगे फिर उसमें इंडिकेटर डालेंगे इंडिकेटर जीरो मोलर फेरोइन सल्फेट होता है फिर उसे टाइट्रेट करेंगे ब्यूरेट में हम लोग 0.1 पॉइंट वन मोलर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालेंगे एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन उसके बाद उससे टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे जब तक हमें रेड से लाइट ब्लू ना मिल जाए तब तक टाइट्रेशन करते रहेंगे